किचन पुणे में आज बन रही है बहुत ही स्पेशल, ऐसी समर स्पेशल मैंगो बर्फी, अल्फांसो की बर्फी, हापुस आंबे की बर्फी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है आम की बर्फी। ये बिना मिल्क पाउडर के, बिना खोए के, बिना घी के बनी है, लेकिन देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे बनानी है मैंगो बर्फी, आम की बर्फी। मल्टी किचन पुणे में आज बन रही है बहुत ही स्पेशल ऐसी बर्फी। जो मैंगो का सीजन अभी चल रहा है, ये अल्फांसो मैंगो लिए हैं। इसे महाराष्ट्रियन लोग कहते हैं हापुस आंबा। ये दो आम लिए हैं मैंने। चीनी है आधा कप, नारियल का बुरादा है 1 कप, नारियल का बुरादा लिया है मैंने। और ये दूध ली है, और दूध के साथ मैंने मलाई भी ली है बहुत सारी। हम मैंगो मलाई बर्फी बनाने वाले हैं, आम की मलाई बर्फी। ये मलाई मैंने इसलिए लिए ही क्योंकि मैंने यहाँ मिल्क पाउडर नहीं लिया है, इसलिए अभी हम पहले इन तीन चीजों को, ये मलाई, मलाई के साथ जो ये दूध है, इसे मैंगो को और चीनी को मिक्सर पर फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना ली है मैंगो मलाई, मलाई के साथ दूध और चीनी की। देखिए मैंने मलाई इसलिए डाली कि एक प्रकार की शाइन आएगी और इससे हमारी मिल्क पाउडर की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। अभी हम इसे अच्छी तरह रिड्यूस करेंगे। मैंने फ्लेम को हाई रखा है, पहले सिम पर था। कंटिन्यूअसली हम इसे हिलाएंगे। जब हमने पैन में घोल डाला था आम का, तब ये ज्यादा था, अभी ये आधा होने को आया है। देखिए मैंने रिड्यूस किया है हाई फ्लेम पर, मैंने कंटिन्यूअसली इसे हिलाया है। अभी ये ऐसे जब बबल्स आने लगते हैं, इसी दौरान हम ये जो नारियल का बुरादा है ये इसी में ऐड करेंगे। 1 कप नारियल का बुरादा मैंने ऐड किया है ना, बिना मिल्क पाउडर की बर्फी। मिल्क पाउडर तो हमने डाली नहीं, लेकिन उसका हमने सब्स्टिट्यूट यूज किया है, वो है दूध की मलाई, और दूध हमने यूज किया है। अभी हम इसे भी रिड्यूस करेंगे अच्छी तरह, इसे भी कंटिन्यूसली हम हिलाएंगे। हमारा मिश्रण रेडी हुआ है बर्फी का। देखिए मैंने कंटिन्यूसली इससे 10 से 12 मिनट कंटिन्यूसली ऐसे हिलाया है, बिल्कुल नीचे लगने नहीं दिया। नॉनस्टिक का पैन है, लगेगा नहीं, तो भी हमने कंटिन्यूसली हिलाना है। जब ये ऐसे पैन को छोड़ दे, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ये मावे के जैसा दिख रहा है, और आप देख रहे होंगे कि इसे शाइन कितनी आई है दूध की मलाई की वजह से, बहुत शाइन आई है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी कितनी शाइन आई है। देखिए अभी हम इसे सेट करेंगे ट्रे में। ट्रे को हम पहले घी लगा के लेंगे और बाद में ट्रे में सेट करेंगे। इसे हमने सेट कर लिया है। शाइन देखिए बिना घी की शाइन कितनी आई है, सिर्फ दूध के मलाई की वजह से। अभी हम इसके ऊपर पिस्ता के कतरन हम डालेंगे और इसे सेट होने देंगे। बाहर ही इसे पूरा हम ठंडा करेंगे, बाद में ही हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए सेट करते हैं हम बर्फी। तो लीजिए, तैयार हुई हमारी मैंगो बर्फी, बिना मिल्क पाउडर के, बिना खोए के और बिना घी के। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी चमक है हमारे बर्फी पर। तो चलिए इसे सर्व करते हम डिश में। बहुत ही सुंदर ऐसी बनी है हमारी मैंगो बर्फी। तैयार है हमारी मैंगो बर्फी, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी है। आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए। मल्टी किचन पुणे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिए।